एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ डॉक्टर साक्षी बरनवाल। बच्चों, आज हम एक मेजर डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, दैट इज टेटनी एंड टेटनस। कई बार हम दोनों वर्ड्स को सेम समझ लेते हैं, कई बार टेटनी को टेटनस और टेटनस को टेटनी समझ लेते हैं। तो आइए इस कंफ्यूजन को आज फटाफट से दूर करते हैं और समझते हैं दोनों टर्मिनोलॉजीज का एक्चुअली मतलब क्या होता है और इनमें मेजर डिफरेंस क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद टेटनी फर्स्ट। इट इज अ काइंड ऑफ डिजीज। टेटनी एक तरह का कंडीशन है, पहली बात समझिए। इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ कंडीशन। बट टेटनस इज अ काइंड ऑफ अ डिजीज। इट इज अ फेटल डिजीज रादर देन, टू बी वेरी स्पेसिफिक, एक तरह की फेटल डिजीज है ये। अगर हम टेटनी की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही पेनफुल मस्कुलर स्पैजम होता है, पेनफुल मसल स्पैजम होता है, और ये स्पैजम जो है आपका फॉल्टी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से हो रहा है। किसकी वजह से? फॉल्टी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। तो ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं आपको टेटनी के अंदर। इसके साथ साथ टेटनी जो होता है वो कंपैरेटिवली लेस सीवियर होता है एज कम्पेयर टू टेटनस स्पैजम। और यहाँ पे जो स्पैजम होते हैं वो इंटरमिटेंट होते हैं, यानी कि आते रहते हैं और जाते रहते हैं। इस टाइप के आपको स्पैजम देखने को मिलते हैं इन टेटनी। नेक्स्ट बात करें, ये किन मसल में देखे जाते हैं? आपके इनवॉलेंट्री मसल्स में देखे जाते हैं, जहाँ पे आपके स्पैजम होता रहता है। वो आपके बस में नहीं होते हैं, वो बॉडी के एक्ट होता है जो कि लगातार आपके इनवॉलेंट्री मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराती रहती है। सीजर्स आते रहते हैं, और ये सब किसकी वजह से? या तो कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, या फिर आपके विटामिन डी के डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, या फिर आपके बॉडी में एल्कलोसिस जैसी कंडीशन अराइज कर गई, उसकी वजह से ये सारी चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब हम बात करेंगे टेटनस की, इट इज़ अ काइंड ऑफ डिसीज जो कि एक बहुत ही खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है थ्रू द हेल्प ऑफ ओपन वंड। अगर आपकी बॉडी में कोई ओपन वंड है, इसके थ्रू ये ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है, यानी कि कोई जंग लगी हुई चीज़ या सॉयल से मिट्टी में लोग गिर जाते हैं, घिस जाता है हाथ, यहाँ से आपके टेटनी के, ठीक है, टेटनस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। क्या नाम है बच्चों? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। ये एंटर कर जाता है आपके बॉडी के अंदर और इन्फेक्शन कॉज करता है। अगर विद इन 24 आवर्स टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगाया गया तो ये बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है, फेटल हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से देयर इज सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन इन द होल बॉडी। सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि लगातार कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है बॉडी के अंदर, कोई रिकावट नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे रैपिड सीरीज ऑफ मसल नर्व कंडक्शन जा रहा है, ठीक है, नर्व इम्पल्स आपकी लगातार जा रही है। इसकी वजह से लगातार आपका कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है बॉडी के अंदर, बिल्कुल भी ये रुकता नहीं है और लगातार होता रहता है। इसके वजह से आपके वॉलेंट्री मसल सफ़र करते हैं बॉडी के, जैसे कि आपका मैंडिबुलर मसल वॉलेंट्री मसल सफ़र करते हैं, और दे डू नॉट रेस्ट, ठीक है, डू नॉट रिलैक्स एट ऑल, और लगातार इनमें कॉन्ट्रैक्शन देख ही जाते हैं। इनको लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मैंडिबल पे जब ये एक्ट करता है तो आपका मुंह खुला का खुला रह जाता है, आपका जॉ जो है वो लॉक हो जाता है, बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें लगातार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ऑल्सो इट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दैट्स हाउ योर टेटनस एक्ट्स ऑन योर बॉडी, जो कि ज़्यादा घातक है एज कम्पेयर टू टेटनी। आई होप अब आपको क्लियर होगा कि टेटनस और टेटनी में मेजर डिफरेंस क्या होते हैं। ऐसे और भी अगर कोई टर्म्स है जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करें, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू गाइज। सो थैंक यू एवरी वन, स्टे कनेक्टेड। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर नहीं ज्वाइन किया जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं हैंड रिटन नोट्स यहाँ डेली अपलोड कर रही हूँ, डेली क्विजेज आपके लिए जा रहे हैं, यहाँ पे डेली आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जा रहे हैं, इसके साथ साथ रेगुलर सेशन के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है। तो डू नॉट मिस आउट दिस टेलीग्राम ग्रुप, आप अपने क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। लाइक कर दीजिए सेशन अच्छा लगा है, शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ताकि सबकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको पता रहे कि मैम के सेशंस कब लाइव आते हैं। सो स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, एंड वी विल रॉक द एग्जाम एंड यू विल बी अ डॉक्टर सून। थैंक यू एवरीवन।